हेलो फ्रेंड्स, जय साई राम। आज मैं जो आपको बता रही हूँ वो मसाला चिकन रेसिपी है। तो आप देखते रहिएगा कि मैं कौन से मसाले बता रही हूँ। अगर मैं भूल जाऊँ तो आप इसे देख के समझ लोगे। तो अभी इसमें जो मैंने मसाले निकाले हैं वो हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर, तेज पत्ता है, और ये जो गरम मसाला है वो होममेड गरम मसाला है। इसका भी मैं वीडियो आपको शेयर करूँगी, और कुछ खड़े मसाले जो अभी आपको मैंने बताया है। प्याज था इसमें, टमाटर है और सांभार है, और मैंने अदरक लहसुन हरी मिर्ची और सांभार का पेस्ट बना के रखा हुआ है, और चिकन मसाला जो रेडीमेड था। सो देखिए मैं किस तरीके से अभी बना रही हूँ, और जिस तरीके से मैं मसाले एक के बाद एक जो डाल रही हूँ तो आप भी वैसे ही यूज़ करिएगा। तो ये मतलब मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो फ्लेवर्स एक आता है ना एक के बाद एक का, तो उसका अलग ही टेस्ट आता है। सो देखिए मैं भी मसाले डाल रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली जो वीडियोज़ है वो आप तक पहुँचे, तो इसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगा। मैं इसमें जो प्याज डाल रही हूँ वो कट करके डाल रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत से लोग प्याज का पेस्ट बना के डालते हैं, बट मैं पेस्ट नहीं यूज़ करती हूँ। टमाटर का भी मैं पेस्ट यूज़ नहीं करती हूँ, कट करके ही डालती हूँ। इसमें ऐसा नहीं होता है कि ग्रेवी थिकनी बनती है। आप इसमें लास्ट में देखिएगा, आपको ग्रेवी भी पता चल जाएगा किस तरीके की दिख रही थी। सो देखिए अभी मैं इसमें मसाले डाल रही हूँ, हल्दी, मिर्ची। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो, कितना तेज, कम, ज़्यादा, जैसा भी हो आप उसे देख सकते हो। और चिकन मैरिनेट जो मैंने किया है तो उसमें भी मैंने कुछ मसाले यूज़ किया हुआ है, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने रखा है, तो आप उसमें देख सकते हो कि मैंने कैसे मैरिनेट किया था चिकन। तो आप उसमें जब मसाले यूज़ करोगे, तो इसमें जब ग्रेवी बनाओगे तो तब आप मसाला देख के यूज़ करिएगा कम ज़्यादा, ताकि फ्लेवर ज़्यादा भी ना हो और मतलब टेस्टी बने सब्जी। सो देखिए मैं जो मसाले अभी भूंजते जा रही हूँ, तो देखिए इसका कलर कैसे डार्क होते जा रहा है, और इसमें जो ऑयल है देखो कैसे ऊपर आता है। तो इससे ना तरी बहुत अच्छी बनती है और सब्जी में भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने चिकन मैरिनेट करके रखा हुआ था, जैसा कि मैंने बताया कि मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक रखा है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा कि मैंने कैसे मैरिनेट किया था चिकन। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि मेरी वीडियोज़ मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी लगे आपको। सो देखिए मैं किस तरीके से अभी ये बना रही हूँ। तो ये ऐसे अच्छे तरीके से मिक्स करिएगा, मसाले भी अच्छे तरीके से भूंजिएगा, क्योंकि मसाला जब तक अच्छे से भूजेगा नहीं तो उसका टेस्ट आएगा नहीं। तो देखिए किस तरीके से दिख रही है। सो आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा मेरा ये वीडियो। सो देखिए अभी आगे देखिए फ्रेंड्स, अभी सब्जी अच्छी तरीके से पक चुकी है, और मैंने इसमें पानी यूज़ नहीं किया हुआ है, जो मैरिनेट का था लिक्विड वही यूज़ किया हुआ है। तो देखिए अभी इसका ग्रेवी भी थिक दिख रही है जैसा कि मैंने बोला था, और सब्जी भी बहुत टेस्टी लग रही है, लग तो रही थी बट बनी भी बहुत अच्छी थी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचे। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।